नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ सेल्फ टॉक इसी सीरीज पर कुछ और वीडियोस बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि बड़ी आसान टेक्निक है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को बदल दें तो हम अपने जीवन को आज से और अभी से बहुत ही ज़्यादा आसानी से बदल सकते हैं। मैं वही टेक्निक शेयर करता हूँ, वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो आसान है, करने में सहज है, सरल है। पहले तो हम सेल्फ टॉक को समझ लेंगे, है क्या, एग्जैक्टली क्या है। देखिए, सारी जिंदगी हम सबसे ज़्यादा जो बातें करते हैं ना, वो अपने आप से करते हैं। 24 घंटे लगातार अगर हम सोए नहीं ना, तो अपने आप से बातें करते ही रहेंगे। कैसे करते हैं हम अपनी बातें, हम क्या है, वी आर द रिएक्शंस। इस पर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी बात हो जाती है ना, कोई भी घटना घट जाती है, तो हमारा माइंड क्या करता है, रिएक्ट करता है उस पर, और हम अपने आप एक वार्तालाप, इनर टॉक शुरू कर देते हैं, सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस जगह पर इतना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, उसे मुझे इतना प्यार करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था, अब कि ऐसा हो गया तो मैं वैसा करूंगा, वैसा हुआ तो मैं ये एक्शन लूंगा। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक जारी है, सेल्फ टॉक। तो इस सेल्फ टॉक में सबसे ज्यादा जो बेकार चीज हो रही है ना, वो क्या हो रही है, वेस्टेज टॉक बहुत ज्यादा हो रही है, फालतू की बातें बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे अक्सर ऐसा देखा होगा ना आपने कि सोशल मीडिया में फालतू के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एक एक मैसेज कई कई बार रिपीट होते हैं। किसी ग्रुप में देखा ना आपने, समझो कोई एक मैसेज किसी ने आपको दोबारा भेज दिया, तो आप तुरंत लिख देते हो ना पुराना मैसेज, ओल्ड मैसेज, उसे डिलीट कर देते हो। आप भी ये नहीं चाहते कि कोई आपको पुराना संदेश बार बार दे। आपको पता है बूढ़े लोगों के पास लोग क्यों नहीं बैठते, बूढ़े लोगों के पास लोग इसलिए नहीं बैठते क्योंकि वही घिसी पिटी पुरानी पुरानी कहानियां वो बच्चों को बार बार सुनाते हैं और नौजवानों को, इसलिए नौजवान उसे कतराते हैं और बच्चे उसे भाग जाते हैं दूर। अब बूढ़े लोग करें भी क्या, उन्होंने अपने जीवन में जो जिया, जो अनुभव किया, जो उनके पास एक्सपीरियंस की बुक है, वही लोगों के साथ शेयर करते हैं, और नया तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी उनके पास, क्योंकि सोशल मीडिया से वो कनेक्ट नहीं रहते, अपडेट नहीं रहते, अपग्रेड नहीं रहते, तो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना उन्हें बंद हो गई। वो बूढ़े जो अपडेट और अपग्रेड है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो इसी तरह से ये जो सेल्फ टॉक चलती रहती है, क्या है, समय की बर्बादी बहुत करती है। फालतू की बातें सेल्फ टॉक में हम अपने करते रहते हैं। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को बदल दें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, निसंदेह, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब इस सेल्फ टॉक को कैसे बदले, इसका तरीका समझ लो। इस सेल्फ टॉक को कैसे बदलो, जैसे आपके मन में कोई विचार आया, उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे ऐसा कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, अब ये सेल्फ टॉक चल रही है। बस इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं, माइंड के प्रति अवेयरनेस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई स्ट्रेस और टेंशन का सवाल ही नहीं। लोग सोचते माइंड के प्रति अवेयर रहेंगे तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, अवेयरनेस तो बड़ी मुश्किल बात है। कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई माइंड को चेक करने की, तो हमेशा आपको आदत कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। हैबिट ही तो डालना है, क्यों ना हम अच्छी आदतें डालने, क्यों ना हम वो आदतें डालने जिनसे जीवन बदल सकता है। तो समझो कि ऐसा विचार आ रहा कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुरंत सेल्फ टॉक चेंज कर दो, सेल्फ टॉक को चेंज कर दो, उसने जो बोला वो बोला, मैं अपने आप में बहुत बेहतर व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी स्थितियों को सुधार सकता हूँ, मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। सेल्फ टॉक को चेंज कर दो, तुरंत सेल्फ टॉक को चेंज कर दो। देखो, दूसरे आदमी आपके बारे में जो कहते हैं ना, वो उनके दिमाग की उपज है। आप वैसे नहीं हो जैसे दूसरा आपको बोल रहे, आप तो जैसे हो वैसे कोई बोल ही नहीं रहा। अब हिस्ट्री उठाकर देख लो, तमाम ऐसे बच्चे थे जिनको बचपन में ये बोला गया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो बड़े होके भीख मांगेंगे, वो फेलियर्स हो जाएंगे, वो आलसी हैं, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते। लोगों ने उनके बारे में न जाने क्या कहा, और उन्होंने अपने आप को जब साबित कर दिया तो लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप सेल्फ टॉक मत करो, उस सेल्फ टॉक को स्टॉप कर दो, रोक दो उस सेल्फ टॉक को। आप अपनी सेल्फ टॉक अपने आप से करो, खुद से खुद के बारे में बातें करो, खुद खुद के लिए वक्त निकालो, खुद खुद का ध्यान रखो। हम ये नहीं करते, हम तो क्या चाहते हैं, दूसरा हमारा ध्यान क्यों नहीं रखता। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है ना, तो यही एक्सपेक्टेशन करता है कि फैमिली वाले बहुत ध्यान रखना चाहिए, दोस्त हालचाल पूछने क्यों नहीं आ रहे, किसी ने अब तक मैसेज क्यों नहीं किया, हाउ आर यू, बस वो इसी से ज्यादा बीमार हो जाते हैं।
और फिर कोई आकर पूछ ले और कैसे हो, और फिर फैमिली वाले बोलते हैं अरे चाय चाहिए क्या, पानी चाहिए क्या, ये दवा खा लो। बहुत से बूढ़े तो इसी बात से कराते रहते हैं, यही कंप्लेंट करते हैं कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है दुनिया में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है? आप खुद। लोग बहुत बोलते हैं हम अपना ख्याल इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हमें दूसरों का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। देखो अगर आप दूसरों का ख्याल हमेशा रखते रहोगे तो आप अपना ख्याल रखने लायक ही नहीं रह जाओगे। और ये जो दूसरे जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो ये भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। मेरी बातों को गलत ढंग से मत समझ लेना, इसका ये मतलब मत समझना आप कि हमें किसी का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ऑफकोर्स रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखो आप, लेकिन कम से कम अपना भी तो ख्याल रखो। खुद के लिए भी तो समय निकालो, खुद भी तो एक्सरसाइज करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये डिसाइड करो। सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करते रहो, मन में कौन सी टॉक चल रही है 24 घंटे ऑब्जर्व करते रहो, अपने मन में कौन सी टॉक चल रही है, नेगेटिव टॉक चल रही है। उसने कहा था तुम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो सकते, पापा ने ये बोल दिया कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। बच्चे पकड़ लेते हैं इस बात को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ऐसा कभी मत कहिए कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल मत कहो। बल्कि उनको ये कहो कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, उन्हें इनकरेज करो, उन्हें मोटिवेट करो। अगर आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? तो आपको क्या करना है, अपने आप को एनकरेज करने के लिए अपने इंटरनल सेल्फ टॉक को बदल देना है। आप अपने आप से इस तरह से बातें करो, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। ऑफकोर्स आप कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो, कुदरत ने छोटा तो किसी को बनाया ही नहीं है, उसने सबको बड़ा बनाया है, उसने सबको कोई ना कोई क्वालिटी कोई ना कोई गुण जरूर दिया है। अब देखो एक एक आदमी को ऑब्जर्व करो, वो किसी ना किसी मामले में आपसे बेहतर जरूर है। कोई मुझसे बेहतर गाना गाता है, कोई मुझसे बेहतर शायरी लिखता है, कोई मुझसे बेहतर बातें करता है, कोई मुझसे बेहतर ड्राइंग बनाता है, कोई मुझसे बेहतर खाना बनाता है, कोई मुझसे बेहतर डांस करता है। हर आदमी किसी ना किसी मामले में हमसे कहीं ना कहीं बेहतर, यानी कि आप में कोई ना कोई खास बात जरूर है, क्योंकि आपको बनाया किसने? ऊपर वाले ने बनाया। ऊपर वाला जब किसी को बनाते ना तो कुछ ना कुछ अच्छी बेस्ट क्वालिटी देकर उसे भेजता है। तो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो दुनिया के सामने लाओ। वो कैसे लाओगे? आप अपनी सेल्फ टॉक को बदल कर। आप अपनी सेल्फ टॉक को बदल देना, आप 2-4 दिन में ही देखना चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। आप अभी बदल दो अपनी सेल्फ टॉक को और देखो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 15 मिनट में कैसा फील होता है। आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। आप ही अपने आप को बदल सकते हो, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। ये जो लाइन है आप यहाँ वहां पढ़ते हो सुनते हो तो उनका तरीका क्या है? यही तरीका है सेल्फ टॉक को बदल देने का, और कुछ भी तरीका नहीं। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आपको हिंट्स मिलते होंगे, टिप्स मिलते होंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।